हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, जो कि काफ़ी वेटेज होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू करते हैं। आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक टेक्सटाइल सेक्टर का कंपनी है, जो कि इसके अंदर कॉटन पॉलिस्टर जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड यदि टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इसका मिनिस्टर पीयूष गोयल है, जो कि 2030 तक 2 से 3 ट्रिलियन कपड़ा एक्सपोर्ट करने वाला है। सो कि आप देख सकते हैं, जैसे ही कपड़ा ट्रिलियन एक्सपोर्ट करेगा तो प्राइस पर कुछ न कुछ असर पड़ेगा, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो आलोक इंडस्ट्रीज अभी के समय में एक पेनी स्टॉक की तरह मिल रहा है, जो कि 15 रुपया पर मात्र मिल रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज की फंडामेंटल की बात करें, यानी कि इसकी की पॉइंट की बात करें, तो आलोक इंडस्ट्रीज ट्रेड पॉइंट 15.5 पैसा पर ट्रेड कर रहे हैं, और मार्केट कैप की बात करें तो 7696 करोड़, जो कि इसका मार्केट कैपेसिटी है। 52 वीक की हाई की बात करें 35.8 है, और लो की बात करें 14.3 है। स्टॉक एनपीई रेशियो की बात करें तो कुछ भी नहीं दिया गया है। और इस पेनी स्टॉक की तरह आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड की बुक वैल्यू की बात करें तो -37 है। डिविडेंड की बात करें तो 0% है। आरओसी की बात करें तो 4.10%, जो कि काफ़ी ज़्यादा आरओसी देखने को मिला है। आरओई की बात करें तो कुछ भी नहीं दिया। और इस पेनी स्टॉक का जो फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज़ के लेवल के आसपास इस पेनी स्टॉक का फेस वैल्यू, यानी कि प्लस पॉजिटिव पॉइंट में इस पेनी स्टॉक का फेस वैल्यू है। अब जो हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की, तो कंपनी जो कि है देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर का भी, इंडस्ट्रीज भी टेक्सटाइल सेक्टर का है। और इस कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी की देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस पॉजिटिव पॉइंट में प्रॉफिट कर रहा था। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा लॉस देखने को मिला, यानी कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में ही चल रहा था। अब जो इस कंपनी की बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग स्टॉक की तरह आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रमोटर होल्डिंग कितना है, यानी कितना परसेंट इन्वेस्टर इस पर ट्रस्ट करके अपना पैसा होल्ड किया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 75%, यानी कि 75% इस पेनी स्टॉक में आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि 25% पब्लिक, यानी काफ़ी मात्रा में पब्लिक ने इस कंपनी में अपना पैसा होल्ड करके और लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। तो आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर का जो भी कंपनी है, जो कि मैं आपको आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसलिए बता रहा हूँ, जो कि एक पेनी स्टॉक की तरह मिल रहा है और आपको खरीदने में थोड़ा हल्का लगे, क्योंकि इसका फ्यूचर यानी कि 2030 तक बात करें तो पीयूष गोयल के हिसाब से इस प्राइस में बढ़ोतरी हो सकता है। यदि आप अभी के समय में भी 200 क्वांटिटी भी बाय कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 100% श्योर है कि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है।